तो बताइए राधा रानी, आज वृंदावन में आपका पहला दिन कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था माँ। शुरू में पहला ऐसा लगा कि यहाँ राधा रानी को कोई नहीं समझेगा, फिर लगा कि मैं तो नई हूँ सबके लिए, धीरे धीरे सबसे मित्रता हो जाएगी। अच्छा, अर्थात सब तुमसे घुल मिल गए? सब तो नहीं, पर मैं किसी के साथ तो घुल मिल गई हूँ। मुझे पता था मेरी पुत्री है ही इतनी प्रिय कि सबके साथ सरलता से घुल मिल जाती है, परंतु मैं चाहती हूँ कि सब स्वयं ही मेरी राधा रानी का प्रेम देखें, उसकी समझदारी देखें, सबके प्रति उसका निर्मल व्यवहार देखें, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि एक माँ अपनी पुत्री के अंध प्रेम में स्वयं उसकी प्रशंसा कर रही है। और हाँ राधा रानी, ये बात हम दोनों के बीच में गोपनीय रहनी चाहिए, किसी को बताना नहीं। जी माँ, अब तो मुझे गोपनीयता से अधिक लगाव हो गया है, चिंता ना करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। राधा रानी, ये गोपनीय बात बस तुम तक ही रहनी चाहिए, ठीक है? बात बताइए, हम अपने गोपनीय बातें किसे जाकर बता सकते हैं? हम अपनी गोपनीय बातें उन्हें बता सकते हैं जो हमारे लिए विशेष होते हैं, जिनसे हमें प्रेम होता है, जिन पे विश्वास होता है, जिनसे हम अपनी सारी बातें कर सकते हैं। अच्छा, परंतु राधा रानी, तुमने ये प्रश्न क्यों पूछा? वो कौन है जो मेरे अलावा तुम्हें अपनी गोपनीय बातें बता रहा है? कौन है? बताओ बताओ। कोई नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछती आई थी। माँ, अब मुझे बहुत ही नींद आ रही है, मैं सोती हूँ। हम अपनी गोपनीय बातें उन्हें बता सकते हैं जो हमारे लिए विशेष होते हैं। इसका अर्थ मैं कान्हा के लिए विशेष हूँ, इसी के कारण उसने मुझे अपनी सबसे बड़ी गोपनीय बात बताई है। सत्य कहा राधे, तुम हो ही मेरे लिए विशेष। अरे वाह, कोई विशेष दिन है आज? पूरे गांव को भोज या फिर कोई त्योहार है? कीर्तिदा, इतना माखन तो हमारे यहाँ प्रतिदिन बनता है। अर्थात इतना सारा माखन यहाँ प्रतिदिन बनता है, परंतु इतना सारा माखन खाता कौन है जीजी? मेरा लल्ला। हाँ कीर्तिदा, इतना माखन तो कान्हा ऐसे ही चट कर देता है। आप सत्य कह रही हैं जीजी, मेरे कान्हा की माखन चोरी की कथाएं तो पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध हैं। मैं तुम्हें वो सारी कथाएं सुनाऊंगी, तुम अचंभित भी होगी और आनंदित भी। नंद जी, आप आ गए, मैं आपके लिए जल लेकर आती हूँ। रोहिणी भाभी, रहने दीजिए। अरे क्या बात है, आपकी मथुरा की यात्रा कैसी रही? आपकी और विश्वान जी की कंस से भेंट हुई क्या? यात्रा भी अच्छी रही और महाराज कंस से भेंट भी हुई। तो क्या कहा उन्होंने, क्या वो हमारी सहायता करेंगे? जी भाभी, महाराज कंस ने मित्र विश्वान को बरसाना के पुनर्निर्माण का वचन दिया है। ये तो बहुत ही अच्छा समाचार है, परंतु आपके मुख पर मुझे प्रसन्नता नहीं दिख रही, बात क्या है? कोई दुविधा है क्या? पता नहीं यशोदा, किंतु हमें महाराज कंस से कोई
अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, इस प्रकार किसी की सहायता करने वालों में से नहीं है। ये बात अलग है कि मित्र वृषभान को सहायता की अति आवश्यकता है और महाराज कंस ने हाँ भी बोल दिया है। और साथ में उन्होंने ये भी पूछा, वृंदावन को आंधी में हुए नुकसान के लिए कोई सहायता चाहिए तो वह तैयार है, परंतु मैंने मना कर दिया कि मैं जानता हूं कि महाराज कंस से हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए और क्या नहीं। हार, आपने उचित किया। गाना तुमने सुना ना? इन लोगों की बातों से प्रतीत होता है कि कंस मामा जी अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। अब वो तो हमारे साथ कोई भव्य खेल खेलने वाले हैं। हाँ, तो क्या हमें बड़ों को चेतावनी देनी चाहिए? नहीं नहीं राधा रानी। परंतु क्यों? तुम उसकी चिंता मत करो, मामा जी के सारे खेल मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। बड़ों को तो और भी कितनी बातों की चिंता होती है ना, तो हम उनकी चिंता को और नहीं बढ़ाएंगे। मैं इन सब का ध्यान रखता हूँ, विश्वास रखो। तुम मुझ पर विश्वास रख सकते हो तो मैं भी तुम पर विश्वास करती हूँ। और हाँ, स्मरण रहे, ये बात गोपनीय है। अब तो मुझे गोपनीय बातें प्रिय लगने लगी है। अब चलो, आज तो तुम्हारी टोली से मित्रता करानी है ना, उन्हें तुम्हें राधा रानी के रूप में स्वीकार करना होगा। हाँ, परंतु परंतु क्या वो मुझे राधा रानी मानेंगे? अवश्य मानेंगे, मैं उन्हें मनाऊंगा। सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश। महाराज कंस ने आदेश दिया है, शीघ्र ही सब बरसाना जाने के लिए सज हो जाओ। उन्हें जिस प्रकार की सहायता चाहिए करो, जो चाहिए वो दे दो, उनके विश्वास को जीतो। उसके पश्चात वहां से वृंदावन जा और वृंदावन में वृंदावन के मुखिया नंद के घर पर राधा के बारे में समस्त सूचनाएं मुझे ला कर दो। मुझे राधा के बारे में एक एक बात की सूचना चाहिए। स्मरण रहे, कोई त्रुटि ना होने पाए। पकड़ो पकड़ो। कान्हा, ये कान्हा राधा को पकड़कर यहाँ क्यों लाया है? अब तो कान्हा बुरा फंसेगा, भले ही चाहे कितने भी असुरों का सामना करे, इस नक्चड़ी का सामना नहीं कर पाएगा। अरे राधा नहीं, राधा रानी। राधा रानी हो या कोई भी रानी, समझने वालों को टोली में कोई स्थान नहीं। कान्हा, तुमने तो कहा था सखी की इच्छा तुम्हारे लिए आदेश है, अब कहो अपनी टोली से कि वो मुझे राधा रानी माने।